Hey guys, good morning, welcome back to my YouTube channel. Hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत खैर मुकदम करता हूँ और आज एक नई राइड हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखते हैं क्या कर पाते हैं अपने लिए और आप लोगों को क्या कंटेंट दे पाते हैं। निकलते हैं यहाँ से। सबसे पहला ट्रैफिक हम लोगों को मिल चुका है। ने देखा होगा पंडासराय गुमती पे कितना क्रॉड था। हमने वहाँ से 30 मिनट्स में वहाँ से हम क्रॉस किए हैं। इतना ट्रैफिक था, इतना लंबा ट्रैफिक था भाई कि 30 मिनट्स मतलब आधा घंटा लग गया। आधा घंटा में हमने क्रॉस किया। और आप लोगों को पता है जब गाड़ी लेकर लोग निकलते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि गाड़ी में फिलअप भी करवाना पड़ता है। तो अब हम लोग फिलअप करवाना ज़रूरी है क्योंकि गाड़ी में है ही नहीं फ्यूल बिल्कुल भी। और अभी हम लोग हैं लाइट हाउस के पास और मुझे आज कोई आइडिया नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं और आज आप लोगों को क्या दिखाने वाले हैं और हम क्या लाएंगे कंटेन में देखते हैं। इसलिए हम लोग पहुँच चुके हैं पेट्रोल पम्प। तो फाइनली यहाँ से हम लोग फिलअप करवा लिए पेट्रोल और चलते हैं हम आगे की तरफ। पेट्रोल पम्प वाले भैया बोल रहे थे वाह हम तो कैमरे में आ गए। भैया कैमरा चालू। आप लोगों ने देखा होगा लापरवाही की वजह से अभी हो सकता कुछ भी हो सकता था तो हमने गाइड किया। तो भाई लोग बात कुछ ऐसा था, हम लोग आए थे सागरपुर जो कि सकरी ज़िला में आता है, यहाँ कुछ काम था और हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। आज का वीडियो हो सकता है कुछ अलग आएगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा, मोटो ब्लॉगिंग से ब्लॉगिंग पे आएगा। दरभंगा में वहाँ पे एक आदमी से मिलना है, बशारत भाई से, वो भी YouTube वीडियो बनाते हैं। तो हम लोग वहाँ चलते हैं और उनसे आपको भी मिलाते हैं और मैं भी मिलता हूँ। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आज व्लॉग शूट कर रहे हैं आफ्टरनून में और अपने दरभंगा से बिलोंग करते हैं तो अपने दरभंगा का कुछ टेम्पलेट्स अपने चैनल पर है नहीं, कुछ है तो सोचा आज डिटेल्स में जो दरभंगा का फेमस है उस चीज़ को आज हम नोटिस करने के लिए आए हैं, म्यूज़ियम में आए हैं और अलग तरीके से अलग वे में हम शूट करेंगे। और अभी हम वेट कर रहे हैं बशारत भाई का जो हमारे बहुत बड़े सपोर्टर और हमारे टीम में नए आए हैं और हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हमसे बड़े हैं, तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ। आते हैं तो मैं पहले मिलाता हूँ फिर हम लोग शूट करेंगे यहाँ पर। तो फाइनली हमारे बशारत भाई आ चुके हैं म्यूज़ियम के अंदर में। तो हम लोग तो शुरू से जो गेट के पास था वो वाला तो इंट्रोडक्शन करवाया ही नहीं, डायरेक्ट अंदर आ गए हैं। और अभी काफ़ी ज़्यादा धूप है तो व्लॉग शूट करना सही नहीं लग रहा है, क्लियर नहीं आ रहा। तो चलो आप लोगों को पहले मिलाते हैं बशारत भाई से। तो हमारे बशारत भाई ये रहे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम और इस्माइल भाई सीखे इस्माइल व्लॉग पे दोनों आदमी साथ आए हैं। हम लोग मिले थे जब मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा था जब मिला था और फिर अभी मिल रहे हैं। तो हमारे बशारत भाई हमारा कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं और फिर आज ये व्लॉग भी शूट करने के लिए आए हैं म्यूज़ियम के अंदर में। और हम लोग दरभंगा से बिलोंग करते हैं तो म्यूज़ियम का तो ब्लॉग जाहिर सी बात है कि बनता है। अगर दरभंगा में रहकर म्यूज़ियम का ब्लॉग नहीं करेंगे तो भाई फिर मज़ा ही नहीं है। और आप लोगों को कुछ सिनेमैटिक शॉर्ट्स भी दिखाएंगे और अभी थोड़ा धूप कम होता है, नॉर्मल होता है फिर। तो आप लोग देख सकते हैं बशारत भाई अपने काम पर लग चुके हैं और ये चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और सपोर्ट मांग रहे हैं हमारे भैया लोग से। देखते हैं कितना प्यार यहाँ से हम लोगों को मिलता है। हम लोग बहुत पहले आए थे तो यहाँ एंटर करने से पहले सिग्नेचर करना पड़ता था और अब अंदर भी है, अंदर में है ना सिग्नेचर। वो जो है ना दरअसल इंटरव्यू व्यू को दिखाया नहीं जा रहा है अब। अच्छा, क्योंकि लोगों का मानना है कि उसका मिसयूज़ हो जाएगा
अगर हम लोग चाहे तो शूट कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, अंदर में अलाउ नहीं है। यहाँ तक तो कैमरा कर सकते हैं, देखिए यहाँ अंदर में अलाउ नहीं है। देखते हैं, फिर भी क्राउड इतना है कि हम लोगों को लाइन में बैठना पड़ा और सिग्नेचर करेंगे फिर अंदर जाएंगे। देखते हैं कितना टाइम लगा। भाई हम लोग चल रहे हैं परमिशन लेने के लिए, कैमरा यूज़ करने के लिए, देखते हैं परमिशन मिलता है या नहीं मिलता। तो हमारी आंटी टाइम टेबल बता रही थी, टाइम टेबल बता रहे थे कि सुबह 10 बजे से शाम कितने बजे तक बताएं? साढ़े चार बजे तक मतलब 5 बजे तक ये बता रही हूँ कि म्यूजियम बंद हो जाता है और सुबह 10 बजे खुल जाता है, है ना? और ये पोस्ट मतलब साफ सफाई का काम करती है ना आप? हाँ जी। तो ये यहाँ से एंटर करने की जगह, और आप लोग देख सकते हो अभी धूप की वजह से कुछ खास नहीं दिखेगा, है अच्छा खासा है। और इधर छोटू भी है, छोटू कुछ देखे तुम? कुछ देखने को मिला, बस कैमरे में नहीं आया ना। और ये देख सकते हो आप लोग, अभी शाम का टाइम होता है यार तो ज़्यादा अच्छा होता यार। बिहार के अंदर में यही चीज़ ख़राब है, जो अच्छी चीज़ है उसको लोग कैमरे में कैद करने ही नहीं देते हैं, और जो चीज़ नहीं करना चाहिए उसको लोग प्रमोट करते हैं और उसको दिखाते हैं ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए बिहार वासियों को। और कुछ ऐसा व्यूज़ दिखता है और बिल्डिंग ये ऐसा दिख रहा है यहाँ से, क्या बोलते हैं, म्यूज़ियम का। और इस तरफ तालाब है जो कि शाम के टाइम में मुझे लगता है आई थिंक काफ़ी अच्छा लगता है। दो यार थोड़ा प्रमोट कर दो। और हमारे वहाँ भी एक भैया बैठे हुए हैं, भैया सीतामढ़ी से बिलोंग करते ना। हाँ भैया आप कुछ बता रहे हैं माध्यम से, ये हमारे बिहार के जितने भी छोटे छोटे अच्छे अच्छे चीज़ हैं ना, ये भाई अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं और जो काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। मैं सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि इन भाइयों के चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इन भाइयों के चैनल अभी थोड़ा और धीरे धीरे ग्रोथ करे, ताकि इनका भी चैनल पूरे अपने बिहार और धीरे धीरे भारत के भारत में जाए और धीरे धीरे इनका चैनल और आगे जाए। सरकार के नियम है कि पार ले तो आधा कुशल भले अर्ध कुशल, आ 10 साल कर लेके तो कुशल में आ गए, 15 साल जब कर लेके तो अति कुशल हो गए। तो ये वीडियो डाल दिया जाएगा नेट पे ना? हाँ एकदम डाल दीजिए, हमारा नहीं डर भर लगता है। चलिए ठीक। लोगों ने देखा काफ़ी ज़्यादा समस्या है यहाँ के कर्मचारी लोगों को, और मैं अब दिखाता हूँ आप लोगों को वीडियो। चलो बैक कैमरा स्टार्ट करते हैं और यहाँ से वीडियो सिनेमैटिक शॉट्स तो नहीं कंटिन्यू करते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता, पहले इससे पहले हम आए थे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्राउड रहता था और काफ़ी कुछ देखने को भी मिलता था और फ़ोटो भी खींच सकते थे और वीडियो भी कर सकते थे, बट अब ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाए। जो दिखाने की चीज़ है उसको यहाँ की जो क्या बोलते हैं, यहाँ के जो कर्मचारी है, यहाँ के जो लोग हैं, वो दिखाने देते नहीं है। कैमरा ऑन करने ही नहीं देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर कैमरा आप ऑन भी करते हो तो वो, मैंने खुद देखा कितने सारे लोगों के मोबाइल को लेकर उन्होंने कर दिया, क्या बोलते हैं, फ़ोटो डिलीट किया, वीडियो डिलीट कर दिया। और यहाँ का ये बस जो है बिल्डिंग है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। कोई भी यूट्यूबर या कोई भी कुछ ऐसा नहीं दिखाया होगा जो आप लोग समझ रहे हो। तो गाइस ये था कि हम लोग तो आए थे इसी लिहाज से आए थे कि यहाँ पे वीडियो शूट करेंगे, लेकिन यार वीडियो शूट क्या करें आप ही लोग बताओ। वीडियो शूट नहीं कर सकते क्योंकि है ही नहीं कुछ यहाँ पर शूट करने के लिए। सिनेमैटिक शॉट्स भी क्या लें, सोचा था लेते लेकिन नहीं लेना चाह रहे हैं। और इस तरफ तालाब है जो कि पहले इसमें शिप भी चला करता था और काफ़ी बड़ा बड़ा जहाज़ पानी पनिया नाव जो बोलते हैं वो भी चलता था, लेकिन अब नहीं। देख सकते हो काफ़ी बड़ा तालाब है, अगर चाहे तो यहाँ पे टिकट सिस्टम भी कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि म्यूज़ियम का प्रमोट करे कोई भी फ्री में। यार अभी तो प्रचार करवाते हैं लोग, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब देख सकते हो सामने मिथिला पेंटिंग दिख रहा है। हाँ भैया क्या चैनल है? सीके स्माइल ब्लॉग्स। जब मैक और ट्राइपॉड देखते हैं तो हमारे भाई साहब सब आ जाते हैं। भैया का शुक्रिया, भैया आकर पूछे भाई को सब्सक्राइब करो। भैया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
इतना तो करिए दीजिए। अरे भैया आप लोग मतलब अच्छा लग रहा है कि मैं खुद ब्लॉगिंग करना चाह रहा हूँ अभी, ठीक है भैया। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन आप तो आप हमसे मतलब दोस्ती भी कीजिए, फ्रेंडशिप भी कीजिए। अरे हम बहुत और क्या अच्छा बोलते लगता है कि ब्लॉगिंग सब कर रहे हैं, मतलब अच्छा मतलब अच्छा अच्छा सब्सक्राइबर कर रखा है उन लोगों ने, ब्लॉगिंग करके लाइफ स्टाइल देख रहे हैं, मेहनत किया है, मेहनत करके संघर्ष किया है। और वही बात है आप भी हम लोग बहुत सारे हमारे यूथ हम लोगों के जो एज के हैं वो भी चाहते हैं कि हम लोग ब्लॉगिंग करें, देखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखते, हम भी पहले देखते थे, लेकिन हमने जब देखा कि मतलब लाइफ स्टाइल भी है, एक अच्छा खासा अर्निंग भी है यूट्यूब से, अच्छा और पार्ट टाइम समझ लीजिए सबसे आसान सबसे इजी जॉब है। उसके लिए क्या दिक्कत है, मतलब गवर्नमेंट के चक्कर में पड़ी, इससे अच्छा इधर आप कुछ इन्वेस्ट कीजिए और कुछ कहो। कैमरा ऑन हो गया है, अपने बारे में बता दो, नाम क्या है बता दो। तो लाइफ स्टाइल चाहिए, तो लाइफ स्टाइल में देखते हैं किसका देखते हैं। माय नेम इज एमडी हसन, माय फादर नेम इज एमडी अलमान। आप हम लोग म्यूजियम में है, म्यूजियम में इतना कुछ मजा नहीं आता, सबसे अच्छा म्यूजियम में पढ़ देख लीजिए। ये भी ब्लॉगिंग कर रहा है पूरे पार्क में घूम घूम के, पार्क दिखा दो, पार्क दिखाओ सबको, पार्क दिखा दो, बैक कैमरे से पार्क दिखा दो। देखो इसको ये भी पता है बैक कैमरा कौन है, और ये सारे में घूम घूम के ब्लॉग कर रहा, देख लो। अच्छा आप हमको ये बताइए कि आप हम मतलब आए कैसे मेरे पास में, अरे क्या देख कर आए, कुछ तो जरूर बताइएगा। आप इतने अच्छे हैं, हैंडसम भी है, खूब खूब बेइज्जती का नहीं, रियली रियली मतलब आप हमारे चैनल के लोगों को बताइए कि आप क्या देख कर आए बस। नहीं भैया आपका जो ब्लॉग होता है ना, मतलब देखे थे हम आपको, तो आप बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ आपको दिखा रहे थे पार्क, हमको ये बहुत अच्छा लगा। हमको लगा कि शायद कैमरा ट्राइपॉड या फिर हेलमेट, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं। चलिए ठीक है, तो सपोर्ट रहेगा ना। हाँ भैया पक्का रहेगा, ठीक है भैया। हाँ देखो ये हमारे इंस्टा के बवाल हीरो लोग आ चुके हैं, तो देखो आई थिंक मेरे हिसाब से लगता है नाइट में काफ़ी अच्छा लगता होगा और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन बात गलत ये है कि अंदर में एंटर करने नहीं देता है, कैमरा अलाउ नहीं, यही सबसे बड़ी बात, सबसे गंदी चीज़ लगी मुझे, और कुछ नहीं। बाकी पार्क जो है काफ़ी खूबसूरत दिखता है और आप लोग देख सकते हो साफ़ सफाई भी काफ़ी मस्त है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, और लाइट वाइट भी पूरा एकदम लगा हुआ है, जहाँ भी देखो पूरा फुल्ली लाइट है एकदम, नाइट का कभी नाइट में तो मतलब खुला ही नहीं रहता जो आप लोगों को दिखा है। और ये बिल्डिंग का कुछ ऐसा सीन, कैमरा लेकर आना पड़ेगा, कैमरा अलाउ नहीं है सबसे बड़ी बात, बाहर से अपना, और अब पूरा ब्लॉग शूट हो गया और अब करना एडिट, और एडिट करने के समय में क्या इशू आता है वो देखेंगे, और बाकी का तो बात करेंगे आगे मिलकर। अब यहाँ से करना है हम लोगों को बाइक राइड, तो अब बाइक राइड का भी थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे, जो कि अभी बनाए नहीं है, और जो बना है उसको तो एडिट करके डालेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को। बशारत भाई कुछ लास्ट में कुछ कह दें बस, आज के लिए दोस्त थैंक यू, और इसी तरह आप लोग प्यार भरोसा विश्वास बनाए रहें और चैनल को ग्रो करें। ये हमारे बशारत भाई, वो हमारा छोटा भाई जो आज हमारे साथ सुबह से राइड कर रहा बाइक पर, और अब हम लोग यहाँ से वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से भागे की तरफ। और पार्किंग दिख, पार्किंग एरिया थोड़ा सा तो यहाँ का डेवलप किया है, इस तरह पार्किंग एरिया आप देख सकते हो, और काफ़ी क्राउड है भाई, और हमारी गाड़ी इस तरफ लगी हुई है, ये देखो वहाँ को हमारी गाड़ी लगी हुई है, और ये पार्किंग एरिया दिख रहा है यहाँ ऐसा, ये देखो